बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाले गठबंधन के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, ताकि जो 2014 में रिजल्ट आया था चुनाव का, लोकसभा का, वो रिजल्ट आ पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं और जाहिर तौर पर अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो फिर ये समझना पड़ेगा और लगातार समझना पड़ेगा कि बिहार में जो दो महत्वपूर्ण राजनीतिक खेमे हैं, महागठबंधन और एनडीए, वो उन दोनों में से कौन किस पर कितना भारी है और भारी है तो क्यों भारी है। राजनीति का घटनाक्रम बदलता है, स्थिति और परिस्थिति बदलती है, इसीलिए हमने कहा कि रोज समझना पड़ेगा और लगातार समझना पड़ेगा। आज फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्यू सर हमारे साथ हैं। सर, अगर मौजूदा स्थिति और परिस्थिति की बात करें बिहार में, हालांकि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से महागठबंधन और एनडीए में से दोनों कौन किस पर कितना भारी है? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कह पाना, क्योंकि अभी स्वरूप, अंतिम स्वरूप सामने नहीं आया है। पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो उसमें जो वोट मिला था महागठबंधन को और जो एनडीए को, उसकी समीक्षा करेंगे और आज की तारीख में जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो कितना वोट किसको उस चुनाव में मिला 2014 के लोकसभा चुनाव में, उसके गणित को समझने की कोशिश करेंगे, उसके आंकड़ों पर खेलेंगे, तो लगेगा कि महागठबंधन ज्यादा मजबूत है। महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन के उत्साह का यही कारण है। नीतीश कुमार ने फार्मूला दिया है कि विपक्ष का एक उम्मीदवार हो बीजेपी के खिलाफ, यानी एनडीए के खिलाफ विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार हो, सभी दल मिलकर एक उम्मीदवार पर सहमत हो। ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि एक उम्मीदवार देने का जो फार्मूला है उसके तहत नीतीश कुमार के जो सिटिंग सीट है उसमें से कई सीटें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बीजेपी ने भी अपने कई सिटिंग सीटों को छोड़ा था, जेडीयू को दिया था, तब 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। तो इस बार नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाले गठबंधन के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, ताकि जो 2014 में रिजल्ट आया था चुनाव का, लोकसभा का, वो रिजल्ट आ पाए। पिछली बार भी आप देखेंगे तो वही हालत है। और नीतीश कुमार का फार्मूला कितना कामयाब होगा, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, तो ये फार्मूला कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, क्योंकि ये फार्मूला तभी सफल होगा जब हर दल ज्यादा से ज्यादा अपनी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। नहीं, कोशिश बहुत की है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो दोस्ती का तिलिस्म है वो भारी पड़ सकता है और पड़ा है, 2015 उदाहरण है। कोशिश बहुत की है, सीमांचल के इलाके में भी कोशिश की, पैठ बनाने की कोशिश की। अमित शाह बार बार बिहार आए, सीमांचल में रैली भी की, हालांकि महागठबंधन ने भी सीमांचल में रैली की। ये जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और फिर बीच में सम्राट चौधरी को लाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के मालिक समझे जाते हैं या जिस वोट बैंक के सहारे बिहार की राजनीति में स्थापित है कई दशकों से, कई सालों से, उसको बीजेपी ने, उस समीकरण को ध्वस्त करने की कोशिश की। क्या बावजूद इसके बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी पड़ेगी, या नीतीश कुमार इसके बावजूद बीजेपी पर भारी है, एनडीए पर भारी है? अभी देखिए, वोट का परसेंटेज आप देखेंगे, 2014 के ही लोकसभा चुनाव का वोट का परसेंटेज देख लीजिए, तो बीजेपी को 29% से ज्यादा वोट मिले थे, एलजेपी को 8% से ज्यादा वोट मिले थे, रालोसपा को 3% वोट मिले थे, मुकेश सहनी भी इस बार जाएंगे बीजेपी के साथ शायद, तो उनको भी कुछ रालोसपा से कम तो नहीं, ज्यादा ही वोट मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन अगर ये छोटे छोटे दल बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी महागठबंधन के लिए, मुझे लगता है। और महागठबंधन में अब सीटों को लेकर थोड़ा खींचतान बढ़ेगा, क्योंकि
पहले पिछले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तेजस्वी यादव के पास ढेर सारी सीटें थी, कांग्रेस को 9 सीटें दे दी थी, वाम दलों को भी सीटें मिली थी। इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं तो तेजस्वी के पास सीट बहुत कम है देने के लिए। अब कांग्रेस कितनी सीटों पर मानेगी? हालांकि आपके साथ जब आपने अखिलेश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई समझौता करेंगे बीजेपी को 0 पर आउट करने के लिए। उन्होंने कहा समझौता करेंगे और सीटों के लिए गठबंधन में कोई तकरार नहीं होगी, लेकिन कहना और उस पर खरा उतरना दोनों दो चीजें हैं। एक एक